Hello everyone. Today I am discussing a very important topic, that is coefficient of determination. हमने coefficient of correlation तो बहुत बार सुना है, but coefficient of determination जो term है, ये हमारी graduation और post graduation में बहुत बार use होती है, और इसको important भी माना जाता है. ठीक है, 11th class में जो statistics पढ़ते हैं, जो school level पे पढ़ते हैं, तो वो हो सकता है कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन नहीं जानते हो या उनके सिलेबस में नहीं हो, बट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में ये टर्म बहुत यूज करते हैं हम, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, इवन इन रिसर्च आल्सो. सो लेट अस स्टार्ट. कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन अगर आप सिंपल टर्म्स में बोलें तो ये कोरिलेशन का स्क्वायर होता है. कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर होता है. तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का फॉर्मूला क्या है, जो आप कोरिलेशन निकालते हो, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, उसकी वैल्यू को अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो हमें मिल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन. बट कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन न्यूमेरिकली तो हमें समझ में आ गया कि हमें कोरिलेशन निकालना पड़ेगा और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले वीडियोज में सिखाया हुआ है. लेकिन अगर कभी आपसे नॉर्मली मीनिंग पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन होता क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन एनेबल्स अस टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल. तो बेसिकली जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे दो वेरिएबल होते हैं एक्स एंड वाई, इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या हेल्प करता है हमको कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, तो वो हमें कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बताता है. इसको मैं अब आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल हम कई बार कहते हैं कि लेट्स से प्राइस एंड सप्लाई, इनके बीच में रिलेशन आर की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 0.9, आर इज इक्वल टू 0.9. तो हम लोग कई बार ये अज्यूम करते हैं आर, जैसे मैंने आपको बताया था आर अगर 1 आता है तो परफेक्टली कोरिलेशन होता है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी. लेकिन आर 0.9 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 90% जो वेरिएशन है, वेरिएशन मतलब वेरिएशन इन सप्लाई इज ड्यू टू प्राइस. इसका मतलब क्या है, जनरली हम लोग बोलते हैं आर 0.9 आ रहा है तो हम ये कहते हैं कि 90% जो सप्लाई में चेंज आ रहा है वो क्यों चेंज आ रहा है, बिकॉज प्राइस बढ़ रहा होगा. लेकिन ये इंटरप्रिटेशन गलत है. हम ये नहीं कहते कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो 90% वेरिएशन जो सप्लाई में आ रहा है वो चेंज इन प्राइस के कारण आ रहा है, नहीं. इसके लिए अगर हम इसकी और अच्छी इंटरप्रिटेशन करें तो हम इसके लिए निकालेंगे आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन. तो ये मैंने लिखा 0.9 का स्क्वायर, तो ये आया 0.81. तो ये जो 0.81 है ये हमें बताता है कि यस, ये हम कह सकते हैं कि 81% ऑफ द वेरिएशन इन सप्लाई, ऑफ द वेरिएशन इन सप्लाई इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस. प्राइस चेंज हो रहा है इसलिए सप्लाई चेंज हो रही है, और ये कितना परसेंट शो कर रहा है, 81%. तो बाकी 19% सप्लाई किसके कारण चेंज हो रही है, देयर कैन बी अदर फैक्टर्स, जो आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं कि सप्लाई को एक तो प्राइस चेंज करता है और अदर देन प्राइस जो फैक्टर्स होते हैं वो चेंज करते हैं. तो आप सिंपल आर से ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि जो वेरिएशन आ रहा है किसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल में, वो किसके कारण आ रहा है या कितना परसेंट आ रहा है. तो जैसे आर इज इक्वल टू 0.9 तो आप ये नहीं कहेंगे. अब यहाँ देखिए, अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो प्राइस हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, सप्लाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. तो मेरा कहने का मतलब क्या है, और कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब प्राइस का क्या इफेक्ट है सप्लाई पर. आर की वैल्यू 0.9 आ रही थी, इसका मतलब ये नहीं है कि 90% जो सप्लाई चेंज हो रहा है वो प्राइस के कारण चेंज हो रहा है. लेकिन कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हमें क्या बताता है कि आप इसका स्क्वायर कर दो कोरिलेशन का, जो ये एग्जैक्ट अमाउंट आएगा, इतना परसेंट वेरिएशन सप्लाई के अंदर किसके कारण आ रहा है,
प्राइस चेंज होने के कारण, और बाकी जो वेरिएशन होगा वो किसके कारण होगा, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो इसीलिए कई बार आप एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो, कभी कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आपसे वो पूछे तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हमें एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट है। तो इसका फॉर्मूला ये लोग कई बार ऐसे भी बोल देते हैं, एक्सप्लेन वेरिएशन, जो ये एक्सप्लेन कर पा रहा है, जैसे हमारे केस में 81% अपॉन टोटल वेरिएशन, ये आप साथ साथ कॉपी करना, वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉन टोटल वेरिएशन। तो ये हमारा ये वाला पॉइंट हुआ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोरिलेशन की वैल्यू जो है 1 और -1 के बीच में रहती है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है ना इसमें 100%, ठीक है। तो एक्सप्लेन वेरिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। और जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो 19% बचा क्योंकि 81% हमारा आ रहा था, तो इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। एक ही बात है, वो ऊपर डिटरमिनेशन था, नीचे नॉन डिटरमिनेशन हो गया। इसको ये लोग जनरली के स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, के स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला ये ऐसे बन जाएगा, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, जैसे ऊपर एक्सप्लेन था तो यहाँ पर आ गया अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन अपॉन टोटल वेरिएशन। और अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूँ, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को हमने आर स्क्वायर माना था, तो एक तरह से ये नॉन डिटरमिनेशन है। मैंने आपको बताया मैक्सिमम वैल्यू आर की क्या होती है, 1, तो आर स्क्वायर की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। तो अगर मैं इसमें एक तरह से बात करूँ कि भाई आर स्क्वायर जो हमारा था डिटरमिनेशन, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो के स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 1 - r² ये क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। आर स्क्वायर क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। कहने का मतलब मेरा क्या है, और के स्क्वायर को हमने क्या बोला था, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। भाई यही तो मतलब हुआ ना कि मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है आर स्क्वायर की, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन और कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन दोनों मिला के कितना बनेगा, मैक्सिमम 1 बनेगा। तो एक तरह से k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 - r² √। बट ये हमें यूज नहीं करना, ये सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मेन जो फॉर्मूला था वो ये वाला और ये वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, r की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, जिसके अंदर डिटर्मिनेशन और नॉन डिटर्मिनेशन दोनों आ जाएंगे। तो के स्क्वायर नॉन डिटर्मिनेशन था, तो 1 में से डिटर्मिनेशन वाले को मैंने माइनस कर दिया, तो के का फॉर्मूला हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। वरना क्वेश्चन क्या होता है, जनरली आप नॉर्मल आर के जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं कि कोरिलेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो लास्ट में आंसर आएगा उसको स्क्वायर कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो सिंपल आप याद रखिए, अगर आपको एग्जाम में कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप जो कोरिलेशन आपने निकाला है उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया, बिकॉज इसके अंदर आप ये चेक करेंगे, एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ये नीचे, और ऐसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, और ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है कॉन्सेप्ट, आप देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन इज सेइंग अ कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ 0.5 डज नॉट मीन दैट 50% ऑफ द डेटा आर एक्सप्लेन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 0.9 हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 90% एक्सप्लेन हो गया, नो इट इज़ नॉट लाइक दैट, कि 0.9 है तो 90%, हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर। तो इसमें भी आपको यही बोल रहा है कि अगर आर आपका 0.5 है, इसका मतलब ये नहीं है कि 50% ऑफ द डेटा आपने एक्सप्लेन कर लिया। और इसका लॉजिक मैंने आपको बताया, क्योंकि आर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जब भी हमें एक्सप्लेन वेरिएशन निकालना होगा तो हमें क्या निकालना होगा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, द
गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि ये तो कह रहा है कि अगर आर की वैल्यू 0.5 है तो हम नहीं कह रहे कि 50% ऑफ द डेटा एक्सप्लेन है। द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, मैं भी कह रहा हूँ नहीं है, क्योंकि अगर तो हम लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसके आगे आप कैसे लिख सकते हो, टू फाइंड the explained variation we need to calculate r square. What is r square? Coefficient of determination. तो let's say हम क्या निकालेंगे, 0.5 का square, तो यह आएगा 0.25, ये हमारा है 0.25। तो ये कह रहा है 50% ऑफ द डेटा एक्सप्लेन, नहीं, अगर हमने आर स्क्वायर निकाला है तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 0.25। तो हम क्या कह सकते हैं, दस वी कैन से दैट 25%, क्योंकि ये 0.25 क्या है, 25% ऑफ द डेटा इज एक्सप्लेन, 50% डेटा एक्सप्लेन नहीं है, क्या है, 25% डेटा एक्सप्लेन है। आई होप ये मैंने अभी आपको ऊपर भी समझाया था। तो एक्सप्लेन का मतलब क्या है कि ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है कि कितना परसेंट हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपको नॉर्मल कोरिलेशन का फॉर्मूला निकालना है और लास्ट में उसका स्क्वायर करना है। आई होप द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ यू लाइक द वीडियो। Thank you so much.